इस आज के हमारे गुरुवर के इस जयंती के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप पधारे। इसी तरीके से हम सबका आप हौसला अफजाई करते रहे। ये हमारा आप लोगों से निवेदन। साथियों, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सुबह से हम लोग पहले विश्वविद्यालय के बच्चों के बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम, भावपूर्ण प्रस्तुतियों को देखा। कितना अच्छा मनोरम एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, जो देशभक्ति से, भक्त भावना से उत्प्रोत था। उसके बाद में हमारे कबूतर बंधुओं ने आदरणीय हीरा सिंह जी की अध्यक्षता में और हमारे परम मित्र बहुत ही ओजस्वी संचालक विद्वान भाई रवीन्द्र पांडे जी, जो बस्ती से चलकर हमारे बीच में आए हैं, मैं अपने परम मित्र अरुण शुक्ला जी से विशेष अनुरोध किया था कि रवीन्द्र पांडे जी को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। भाई रवीन्द्र पांडे जी आए और इस हमारे कार्यक्रम के, मेरे स्कूल का, हमारे गुरु जी के जयंती का शोभा बढ़ाया। खासकर हमारे क्षेत्र के हमारे जितने कविवर थे, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां किया। मैं उन सभी कवियों को दिल की गहराई से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, हम सब के छोटे, हमारे छोटे भाई आदरणीय अजय सिंह जी, उनका भी गरिमा में यहाँ उपस्थिति रही। अपने संबोधन से हमारे स्कूल के बच्चों का हौसला अफजाई किया और उनके आशीर्वचनों से निश्चित तौर पर हमारा स्कूल दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा हम कामना करते हैं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों का, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के सम्मानीय अध्यापक हो, चाहे वो विशेष हमारे जो क्षेत्र के किसान बंधु हैं, या जो भी हमारे हमारे गुरुवर से अगाध प्रेम करने वाले, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे, हमारे गुरुवर के से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय ठाकुर हुकुम सिंह जी, हमारे गुरु और अकोहरी के प्रधान श्री टी के सिंह जी, हमारे गुरु और हमारे गुरुवर के बहुत ही सानिध्य रहे और रिश्तेदार भी हुए हमारे गुरु पूर्व प्राचार्य एन पांडे जी और बहुत सारे सम्मानित गणमान्य अतिथि हमारे बीच में रहे, खासकर हमारे साथ के पढ़े हुए बहुत सारे मित्र, हमारे गुरुवर के ज्येष्ठ पुत्र जो सेना एयरफोर्स रिटायर होके आज भारत के नवरत्न कंपनी भेल में हरिद्वार में अपनी सेवा देते हैं, और छोटे भाई अरुण कुमार शुक्ला, जिनके ओज, जिनके निष्ठा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति और शिक्षा के प्रति जो समर्पण है, वो हम सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो दिन रात अथक प्रयास करके